देश में लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में एक तस्वीर सामने आई है। आप सामने देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं प्रयागराज के झलवा इलाके में और हमारे ठीक सामने आप यहां पर लोग को देख रहे होंगे। इन्होंने अपने घरों के बाहर एक बैनर लगाया है जिसमें लिखा है रोड नहीं तो वोट नहीं। और ये सभी यहाँ के लोग हैं। इनका कहना ये है कि पिछले 16 सालों से वो यहाँ पर रहते हैं लेकिन जो इनकी ज़मीन है मतलब कि जो रोड है वो इनकी अभी तक नहीं बन पाई है। जो भी सरकार आई है वो आश्वासन दे रही है और अब सभी लोगों ने ये फैसला लिया है कि अब वो वोट नहीं देंगे जब तक रोड नहीं बनेगी। ऐसे में हमारे साथ आप देख सकते हैं, आप छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैनर है और महिलाएं भी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, पुरुष भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर वर्ग के जो लोग हैं वो एक ही मांग कर रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। सबसे पहले हम भाई साहब आपके पास आएंगे, क्या ये पूरा मामला है, कितने दिनों से आप लोग जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं, मंत्रियों से कह रहे हैं और क्या समस्याएं ज़्यादातर हैं? ये समस्या हम लोगों की रोड की 2007 से चल रही है। पीडीए ने बना के दिया, उसके बाद हम लोग रहने लगे। अपना रहने के बाद सारे शासन को नीचे से ऊपर तक लगातार पीछा किए और उनका गुड़वा बलैया किए, तमाम वोटिंग किए और थक हार के इतने सालों बाद हम लोग इस साल ये फैसला लिए कि हमारी रोड जब तक नहीं बनेगी तब तक हम सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को वोट नहीं देंगे और यहाँ आने के अंदर आने भी नहीं देंगे। हमारा बैनर लगा हुआ है, किसी भी वोट मांगने वाले प्रत्याशी को किसी भी दल का हो हम लोग आने नहीं देंगे। यहाँ तक कि सरकारी अमला भी कई बार आया, आश्वासन दे के गया, उनके प्रति भी हम लोग खफा हैं। सब परिवार, सारे बाल बच्चों सहित औरतें जिन जितने हैं सब हमारे एक हैं, हमेशा एक तरफ हमकी वोट पड़ती है लेकिन आज तो कोई सुध लिया नहीं, कोई सुध नहीं लिया। जी आप तो अध्यक्ष हैं अपने पूरे इस कमेटी के और अगर हम इस इलाके की बात करें तो सिद्धार्थनाथ सिंह यहाँ के विधायक हैं, आप लोग वहाँ पर भी गए होंगे, उनसे बातचीत किया होगा, लेकिन आखिर क्यों नहीं सुनवाई हुई? वो उन लोगों का अपना अपना है, जब वोट किस समय जब आता है तो आ जाते हैं और आके आश्वासन दे के चले जाते हैं। सिर्फ सिद्धार्थ महोदय ही नहीं, कई नेता 5 साल में आए और गए और सबने आश्वासन दिया कि साहब बस आचार संहिता लगी हुई है, इसको ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं काम कर दूंगा। कितनी आचार संहिता आई, 3 बार आई और 3 दफ़ा चली गई, किंतु रोड हमारा वैसे का वैसे है। आज महिलाएं उसी गड्ढे में गिर के बरसात के दिनों में घुटने भर पानी में रेंगते हुए लोग निकलते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं और फिर भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। आप पीडीए में जाइए, वहाँ पे हर आदमी अपनी बातें कहता है, बार बार कहा जाता है कि आप नगर निगम को हस्तांतरित कर दीजिए, वो भी हस्तांतरित भी नहीं करते हैं और स्वयं बनाते भी नहीं है। एक दफ़ा 81 लाख रुपए सैंक्शन भी हो गए, उसके बाद किसी भी परिस्थिति में ये रुक गया, फिर कार्य शुरू भी नहीं हो पाया। तो इस परिस्थिति में एज अध्यक्ष मैंने ये हम लोगों ने फैसला लिया है कि इस दफ़ा वोट का हम लोग संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। पूरा बहिष्कार, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, हालांकि ऐसी जो तस्वीर है वो चुनाव आने से पहले दिखाई देती होगी लेकिन वो तस्वीर आपको ग्रामीण इलाकों में दिखाई देती होगी, लेकिन ये तस्वीर प्रयागराज के पौश इलाके की है। हम यहाँ पर कुछ महिलाओं से ही बात करेंगे कि आखिर जो है कितनी समस्या है आप लोग को और क्या कहना चाहती हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं सर यहाँ पे हमें, और सबसे बड़ी बात कि हम हर प्रकार के टैक्सेस देते हैं और नगर महापालिका के भी जितने भी बिल्स आते हैं हम सारे क्लियर करते हैं, फिर भी हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ये सबसे कमी है यहाँ देश के, हमारे इरवो कॉलोनी की सर। सभी नेता, कई नेता आए और गए, हर सब लोग आते हैं, बोल दें कि हमसे नहीं बनेगा लेकिन फिर वो बोल के जाते हैं कि नहीं हम ज़रूर बनवाएंगे, आप बस वोट दे दीजिए। हमने दिया भी, 10 साल तक से हम लोग को इसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सर प्लीज़, अब निवेदन है कि हमारा सड़क जरूर बने। अच्छा, ऐसी रोड तो हमने भी अभी देखा है, तो बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते होंगे, बच्चे हैं आप यहाँ गिरते होंगे? बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे जाते आते हैं लड़ जाते हैं साइकिल से, गड्ढा बहुत हो गया है। और हमारे कॉलोनी में जो है केशव प्रसाद मौर्य जी आए, वो भी आश्वासन दे के गए, केसरी देवी भी आईं, सिद्धार्थनाथ जी आए, सभी लोग आए और हम लोगों ने तन मन से उन लोगों को माना और अपना वोट उन्हीं लोगों को दिया। और जो है हम लोगों ने बहुत देखा कि नहीं रोड हम लोगों का बन जाएगा, लेकिन 2014 से सब लोग आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं लेकिन हम लोगों का रोड अभी तक नहीं बना, हम लोग बहुत झेल रहे हैं। अच्छा, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है घर हैं, तो आबादी भी 4,000 से ऊपर की होगी, कितनी बड़ी समस्या है आप लोगों के लिए? बहुत बड़ी समस्या है। वैसे कई बार तो मैं गिर चुकी हूँ, मेरे पैरों में बहुत चोट आ गई और बारिश के पानी इकट्ठा हो जाता है तो सड़क पे कीचड़ हो जाता है, मेरा पाँव फंस जाता है, इसलिए प्लीज़ आप सड़क जल्दी पक्की बनवाइए।
जी, आप क्या मानते हैं? मेरा भी चोट लगा हुआ है, पैर में एक्सीडेंट हो गया और गिर गई, मेरा ऑपरेशन हुआ है और यहाँ का रोड प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये रोड जरूर बनना चाहिए। आप देख सकते हैं कि एक शख्स है, इनके जो पैर है वो भी यहाँ पर, अभी जो बारिश हुई थी उसमें मेरी गाड़ी स्लिप हो गई जिसके चलते पैर में मोच आ गई है। अक्सर लोगों में देखा गया है कि कोई ना कोई अक्सर इसमें गिर के अपने हाथ पैर तोड़वा लेता है। तो ये केवल वोट की राजनीति हो रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर लोग कहना है कि वोट की जो राजनीति है वो यहाँ पर हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स और, उनसे बातचीत करते हैं कि भाई साहब इतने आप लोग सब मेरे ख्याल से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर कुछ लाखों करोड़ों के घर बने हुए हैं, उसके बावजूद भी डेवलपमेंट नहीं है। सर, हम लोगों से सिर्फ ये जो है एक तरह से कहिए तो नगर निगम या PDA एक तरह से ये गुंडा टैक्स ही लेना चाहते हैं। इनके पास जाइए तो कहते हैं कि आप नगर निगम जाइए, नगर निगम के पास जाते हैं तो कहें PDA जाइए, ये दोनों मिलके कहते हैं कि आप रेलवे में जाइए। तो अभी तक तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा माई बाप कौन है, तो पहले तो ये निर्धारित हो जाए मेरा माई बाप कौन है सर। और दूसरी चीज़ जो है, तमाम नेता तो आते हैं आश्वासन की खेती करके वो चले जाते हैं और सिर्फ जो है बरसीम की तरह वो जैसे कटती रहती उसी तरह हम लोग कटते रहे, हर बार वही कटते रहे, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। एक डिप्टी मेयर जो थे यहाँ के अखिलेश सिंह जो है, उनका कुछ मदद वो हम लोगों के गिलहरी प्रयास करके जो है थोड़ा किए, बाकी उन्होंने भी जो है धरातल पे कुछ विशेष नहीं ला पाए, धरातल पे नहीं ला पाए। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा, तुम लोग यहाँ पर जब निकलते होगे कितनी दिक्कतें होती हैं? अंकल, मैं साइकिल चलाते चलाते कभी गिर गया, ये देखिए मेरी चोट भी लग जाती है, घुटने में भी चोट लग जाती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रोड बन जाए। तो बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर थोड़ी भावुक भी कर रही है क्योंकि यहाँ पर हर समुदाय के साथ साथ हर वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। बच्चे भी दरख्वास्त कर रहे हैं और उनकी जो माएँ हैं या महिलाएँ हैं वो भी सिर्फ यही है कह रही हैं कि अगर रोड नहीं बनती है तो वो वोट नहीं देंगे। हालांकि ये चिंता का एक सबक ज़रूर है सरकार के लिए, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि यहाँ के लोग की अगर बात माने तो उनका कहना है कि कई चुनाव आए और सिर्फ आचार संहिता का दावा करके वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जब चुनाव पूरे सम्पन्न हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं और उसके बाद भी रोड जो है वो वैसे ही रहती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इनकी तुल लेने वाला आखिर कौन होता है और कब ये रोड बन करके तैयार होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रयागराज से इस इलाके के जो लोग हैं, जो कॉलोनी के लोग हैं, उन्होंने बहिष्कार वोट का कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर पंजाब के सिटी टीवी प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।